नमस्कार, मैं हूं शेफरपाल सिंह सोखी और आप सभी का स्वागत है त्यौहार स्वादों का में। अजी, त्यौहार हिंदुस्तान में इतने प्रकार के होते पूछिए मत। ये जो मैं कर रहा था ये आप देख के समझ गए होंगे कि मैं किस स्टेट का ये त्यौहार मना रहा हूँ। जी हाँ, ये स्टेट जो है मेरे दिल से बड़ा करीब है क्योंकि मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है, वेस्ट बंगाल। जी हाँ, दुर्गा पूजा, आह पूछिए मत क्या मजेदार होता है जी। और बंगाल में एक चीज जबरदस्त होता, सुबह शाम वैसे ही आम तौर के जीवन में खाने की बातें होती और दुर्गा पूजा में तो भाई मजा आ जाता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बहुत ही मजेदार चीज आपको बना के दिखाऊंगा। मैं बनाऊंगा चॉकलेट भापा दोई। उफ, इतना मजा आता ना खाने के लिए, ये पूछिए मत। अब भापा दोई बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? दही। जी हाँ, बढ़िया गाढ़ा दही, ये लीजिए एक कप दही। इसमें मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक कप दही, 400 ml कंडेंस्ड मिल्क। जी आहा, क्या बात है, ये ले लिया आपने। और क्योंकि मैं बढ़िया चॉकलेट वाला बना रहा हूँ भापा दोई, इसमें कोको पाउडर 1 tablespoon, वनीला एसेंस 1 teaspoon, और इसमें मैं प्रेफर करता हूँ कि जो कोको पाउडर हो वो अनस्वीटेंड हो, थोड़ा सा बिटर होना मज़ा आ जाएगा, स्वीटनेस जो है कंडेंस मिल्क से आ जाएगी। ये लीजिए, क्या बात है, ओहो हो, विस्क किया, बढ़िया गाढ़ा। और इसमें मैं ब्रेड डालूंगा, ब्रेड के 3 slices ले लिए मैंने, ये जो साइड्स हैं ये काट लिए और फिर इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए, ये डाल लिया इसमें, सोक कर लेते हैं। आहा, यहाँ पे वैसे ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है, वेजिटेरियन बेक्ड पुडिंग जैसे ही हो गया भापा दोई। इसको स्टीम करना है सबसे पहले, मेरे पास इस तरह के 2 container मैं ले रहा हूँ और ये इस तरह के कंटेनर में ये मैं डाल लेता हूँ। और इसे मैं स्टीम करूंगा, ये पानी में डाल लिया और इसे ओवन के अंदर, ये लीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसे पकाएं। जब ये सेट हो जाए तो ये निकाल लें आप, और निकालने के बाद इमीडिएटली खा नहीं सकते, आपको चिल करना है मिनिमम 2 घंटे तक। अब ये देखिए बढ़िया चिल्ड, एब्सोल्युटली मजेदार। इसमें और मजा एनहेंस करने के लिए चॉकलेट डाल लेते हैं। ओहो हो, और चॉकलेट शेविंग्स। बचपन मैंने जहाँ गुजारा है, मैं ये डिश उस स्टेट को डेडिकेट करता हूँ, बहुत ही मज़ेदार। जब भी मैं जाता हूँ मैं भापा दोई ज़रूर खाता हूँ, और दुर्गा पूजा के मौके में ये चीज़ें मिल जाए, उफ, सोने पे सुहागा। भापा दोई ढेर सारा बनाइए और परिवार के संग बैठ के खाइए। डिस्कशन यानी बातों बातों में पता ही नहीं चलेगा कि इतना सारा बनाया और कहाँ गया, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और अगर फ्रेश इंग्रेडिएंट चाहिए तो जाके रिलायंस फ्रेश चलाइए, परिवार के साथ खुशियाँ बांटिए।